we will have first the vision of what we have done. Okay, so this is renewable energy sources. कितने होते हैं अपने, मैंने आपको 6-7 बताए थे. And I have told you many of them, and most common of them you may also know, जो आप भी जानते हो, that is wind turbine, wind energy, and this one is solar energy, then other one is biogas. Biogas means the waste जो होता है, metallic waste होता है, और जो biofuel होता है या human waste होता है, म्युनिसिपल वेस्ट जो होता है, दैट इज बायोगैस. एंड न्यूक्लियर वेस्ट, न्यूक्लियर एनर्जी जो होता है, एंड ये सब जो होते हैं, ये आर दीज आर ऑल नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. एंड देन वी हैव दिस इनोवेटिव सॉल्यूशंस आर देयर, एनर्जी इंजीनियरिंग लर्निंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. दिस इज देयर इन बेंगलोर, देयर इज दिस पावर कंजम्पशन इन of excellence, Salem. In Salem is there and Bangalore is there. The two portion, it has been there. So, आप लोगों ने wind turbine देखा होगा, कुछ ऐसा दिखता है. You all know that. इसमें ये जो portion है, ये देखिए आप. कोई ये जो portion है ना, जिसके अंदर gears लगे हुए हैं और power generator लगा हुआ है, उसको naturally बोलते हैं, naturally. आपको ये diagram बनाना पड़ेगा. Hence, you have to make this diagram for a wind turbine. जो आपको दिखता है, और ये इसकी लेबल करना है, ये टावर है, ये स्वेप्ट एरिया है, देन ये रोटर है, घूम रहा है. अब ये इतना एरिया घूम रहा है, ये इतना डायमीटर है, कितना बड़ा डायमीटर, इसका 35 मीटर टन का है रोटर, और 77 मीटर का डायमीटर है, इतना बड़ा डायमीटर देख रहे हो आप, 70 मीटर. आदमी 2-2.5 मीटर का होता है, और ये 70 मीटर का है. तो आप सोचिए, ऐसा क्यों करा है अपन ने, कि जितना ज्यादा एरिया स्वैप करेगा वो, उतना ज्यादा पावर जनरेशन होगा. सिंपल, ठीक है, यहां तक क्लियर है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? जी सर. गुड. नाउ वी हैव दिस फर्स्ट विन एनर्जी सिस्टम. पहले ऐसे होते थे एनर्जी सिस्टम. फिर ये उन्होंने क्या किया कि पानी का जो वो होता है ट्यूबवेल, उससे पानी निकालने के लिए ये कुछ इस टाइप का विंड टर्बाइन बनाया था, नीचे दिख रहा है आपको. फिर आजकल के जमाने में जो विंड टर्बाइन यूज कर रहे हैं, वो इस टाइप के विंड टर्बाइन यूज हो रहे हैं, नीचे जो आप देख सकते हो, ये ऐसे आप ये तो वाले सबने देखे होंगे, ये वाले विंड टर्बाइन है ना. तो ये इस टाइप के विंड टर्बाइन आजकल यूज हो रहे हैं ज्यादातर नीचे के. और इनमें एक्सेस वाटर पाइपवे विंड वेल्स फाउंड थ्रू द वर्ल्ड अमेरिका. ओके, देन ये इनकी हिस्ट्री है, कैसे डेवलप हुए. बैटरी चार्जर बन गया था, विंड ड्राइवन बैटरी चार्जर था, बैटरी को चार्ज कर देता है. इस टाइप का विंड टर्बाइन है आपका, बहुत पहले वाला. देन फिर ऐसे बने, तो कुछ ना कुछ वो डेवलपमेंट होता गया. 1940-1960 में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया. 1940 और 60 में हो गया था इलेक्ट्रिफिकेशन. यूएस एंड यूरोप यूज्ड टू डिक्लाइन इट अप टू दिस ईयर. ठीक, देन विंड एटमॉस्फेरिक एयर इन मोशन. नाउ एनर्जी क्या था? एनर्जी सोर्स सोलर रेडिएशन डिफरेंशियली अब्सॉर्ब्ड बाय अर्थ सरफेस कन्वर्टेड थ्रू कन्वेक्टिव प्रोसेसेस ड्यू टू टेंपरेचर डिफरेंसेस टू एयर मोशन. तो व्हाट इज एनर्जी सोर्स क्या होता है विंड का? आप बताइए, विंड जो होती है फ्लो क्यों होती है? अभी इस मौसम में प्लेंटी ऑफ विंड अवेलेबल है, सोलर एनर्जी नहीं है अवेलेबल, बट विंड इज अवेलेबल इन ड्यूरिंग दिस रेनी सीजन. एंड व्हाई दिस विंड इज बीन जनरेटेड, व्हाई दिस विंड फ्लोस, आप जिस एरिया पे हो उस एरिया में विंड फ्लो क्यों होती है? कैन एनीवन टेल मी? टेम्परेचर, ड्यू टू चेंजिंग टेम्परेचर. बोलिए. विंड फ्लो क्यों होती है? कोई भी पानी कहीं एक जगह से दूसरी जगह बहता है, क्यों बहता है? नदियां बहती हैं तो क्यों बहती हैं? इसका बेसिक रीजन आप लोगों को सबको मालूम है, प्रेशर के ऊपर रहता है ना. हाँ जी सर. जहाँ पे हवा नहीं रहती वहाँ पे ठंडी हवा, वहाँ पे वो पूरे अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर में हवा है. मैंने आपको कई बार बताया है, हवा जो बहती है
जो फ्लो होता है सर, मतलब जब भी गर्म हवा होती है वो ऊपर चले जाती है, उसकी जगह लेने के लिए ठंडी हवा जाती है। हाँ, तो आप बहुत क्लोज हो, उसको ढंग से ये समझा सकते हो आप कि विंड फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरिया। विंड इज अ लिक्विड, इसको अपन फ्लूइड बोलेंगे, पानी हुआ, विंड हुआ और लिक्विड हुआ, वाटर हुआ, दीज आर ऑल कम्स अंडर अ कैटेगरी ऑफ लिक्विड। लिक्विड होता है या फ्लूड अंडर कैटेगरी ऑफ फ्लूड, है ना, सॉरी। तो फ्लूड जो होता है फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ओके, ये समझ गए आप इतना? कोई भी चीज है हाई प्रेशर से लो प्रेशर में। अब हाई प्रेशर लो प्रेशर अर्थ पे कैसे जनरेट होता है? वो ऐसे जनरेट होता है, हाई प्रेशर लो प्रेशर ऐसे जनरेट होता है कि भाई अर्थ जो है कभी सूरज के पास आ रही है, कभी दूर जा रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे दूर जाती है तो उसमें प्रेशर डिफरेंस जनरेट होता है अर्थ के एटमोसफेयर के अंदर, तो उससे विंड का फ्लो होती है, फ्लो डेवलप होता है, हाई प्रेशर हो गया कहीं, लो प्रेशर हो गया, और टिल्टेड भी है, कहीं पे ज्यादा हीट आ रही है गर्मी में तो कहीं पे कम हीट आ रही है, तो दैट इज ऑल्सो अनदर रीजन। देन प्लैनेटरी स्केल, ग्लोबल सर्कुलेशन, एंड देन सिनॉप्टिक स्केल, वेदर सिस्टम, मीजो स्केल, ग्लोबल लोकल ट्रोपोग्राफिक और थर्मली इंड्यूस सर्कुलेशन, मैट्रोस्फीयर, अर्बन टोपोग्राफी। हेलो सर। हाँ जी सर, ये सर स्क्रीन पे सर आधा स्क्रीन दिखा रहा है सर, यहाँ पे ब्लैक सर वो दिख रहा है। हाँ, वो उसका वीडियो चल नहीं रहा है, मैं चलाता हूँ वीडियो तो चल नहीं रहा, अब दिख रहा है? जी सर अब सही ना, वो उसका वीडियो नहीं चल पा रहा, कुछ मैं एडजस्ट करता हूँ उसको। अब ये टाइप्स ऑफ विंड्स मैंने आपको बताई थी, ये देखिए कितने टाइप की विंड्स होती है और कैसे जनरेट होती है। देखो मैंने आपको बताया ना, अर्थ ऐसे टिल्टेड है, दिख रही है आपको कर्सर, दिख रहा है मेरा, जैसे ये yes, है। यहाँ पर गर्म हवा है, ये अमेरिका का आप मैप देखो तो यहाँ पर ग्रीनरी है, ईस्ट कोस्ट में, वेस्ट कोस्ट में, पूरे में रेगिस्तान है, बीच में सेंटर में, तो ये हीटेड एरिया है, हाई प्रेशर एरिया हो गया और ये लो प्रेशर हो गया। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड ऐसा सर्कुलेशन फॉर्म कर ली और यहाँ चली आई, और यहाँ पर यहाँ लो प्रेशर आ गया तो यूं होगा, तो हाई से लो प्रेशर पे विंड फ्लो होगी, तो इनको अपन थर्मल विंड्स बोलते हैं। ये गर्मी की विंड्स होती हैं, जेट स्ट्रीम कहते हैं, ट्रेड विंड्स होती हैं, पोलार जेट्स होते हैं, दिस इज जेट स्ट्रीम। अब ये देखो ये एयरपोर्ट के ऊपर टॉर्नेडो आ रहा है, ये एयरपोर्ट है, टॉर्नेडो आ रहा है, प्लेन लैंड कर रहा है, यहाँ पर टॉर्नेडो इस टाइप की विंड फ्लो हो रही है, तो प्लेन तो लैंड कर ही नहीं पाएगा, क्रैश हो जाएगा। तो थर्मल विंड्स हो गई, ग्रेडियंट विंड्स हो गई, देन पोलार जेट्स, ट्रेड विंड्स, जेट स्ट्रीम, देन कैटाबेटिक, एनाबेटिक विंड्स, तो इतने टाइप की विंड्स होती हैं, कन्वेक्टिव स्टॉर्म्स, सी ब्रीज, हुरिकेन्स, टाइफून, टॉर्नेडो, गस्ट, गस्ट लेवल्स, एटमॉस्फेरिक वेव्स। ओके, अब आप इसमें देखो 1 2 3 1 2 3, यहाँ पर आपने अगर सूरज यहाँ पर है इस एरिया में नंबर वन पे, तो सबसे ज्यादा आपका जो इक्वेटर का जो पोर्शन है, जहाँ पर इक्वेटर है वो सबसे ज्यादा गर्म होता है, और ऊपर का एरिया कम गर्म होता है, और पीछे रात में ठंडा हो गया तो वहां पर भी कुछ अलग टाइप के विंड्स फ्लो होंगी, है ना। एक तो एटमॉस्फेयर के ऊपर नीचे भी फ्लो होती है, कोरिओलिस इफेक्ट भी कहलाता है, और इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ भी विंड्स फ्लो होती है। यहाँ पे हाई प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ऐसे ऐसे विंड्स फ्लो होगी, तो यहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ऐसे विंड्स फ्लो होगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एंड देन ये पोलर विंड्स, यहाँ पे तो ठंडा है, तो ठंडे में क्या होगा, गर्म से ठंडे में जाएंगी विंड्स, और ठंडी वाली गर्म की तरफ आएंगी विंड्स, तो इस तरह से विंड फ्लो होती है। अब आप इसमें देखो पावर जनरेट कैसे करेंगे, पावर जनरेशन का फॉर्मूला बताइए, पावर कैसे जनरेट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी है विंड के अंदर और कुछ मास है कि नहीं, विंड के अंदर कुछ मास है और कुछ वेलोसिटी है, तो अपन क्या करेंगे, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर कर दें। ओके, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर अपन कर लेंगे, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर, तो मास इज इक्वल टू डीएम बाय डीटी इज इक्वल टू मास प्लस हो जाएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स गिव्स मास फ्लो रेट डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो रो ए वी, अमाउंट ऑफ एयर, स्पीड एंड मास ऑफ एयर, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीवन शुड टेक नोट इट डाउन।
इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, ये फॉर्मूला जो है, एक तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गई आपकी, यहाँ तक का जो फॉर्मूले है एवरीवन शुड नोट इट डाउन, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, क्यों हो रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एमवी स्क्वायर एंड देन वी हैव दिस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम इज पीएम बाय डीटी मास प्लस देन प्रेशर देन पावर इज हाफ एमवी स्क्वायर फ्लूइड मैकेनिक्स गिव्स मास फ्लो रेट दैट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम दैट इज रो ए इनटू पी पीएम बाय डीटी रो ए इनटू पी दैट इज हाफ रो ए वी क्यूब पावर इज क्यूब ऑफ वेलोसिटी पावर इज रेट डेंसिटी पावर रोटर स्वेप्ट एरिया एरिया पाई पाई आर स्क्वायर सो दिस इज हाउ पावर इज जनरेटेड पावर अब आप ये देखो पावर जो है जितना भी विंड में जो भी पावर होगा वो कैसे रिलेटेड है इज रिलेटेड टू दिस वन लुक पावर रिलेटेड टू वेलोसिटी एरिया एंड डेंसिटी तो अगर आपने एरिया बड़ा कर दिया देखा आपने कितना बड़ा एरिया था उसका जो विंड टर्माइन था एरिया आपने एक तो बड़ा कर दिया और फिर विंड की वेलोसिटी ऐसी जगह अपन विंड टर्माइन लगाते हैं ये फैक्टर हो जाता है पावर जनरेशन का विंड टर्माइन कहाँ लगना है जहाँ पर विंड की वेलोसिटी 3 meters per second से ज्यादा हो वहीं पर अपन विंड टर्माइन लगाएं और उसकी एक हाइट लगा लें उतने हाइट पर हो है ना वो हाइट चाहिए आपको और डेंसिटी हवा की डेंसिटी कितनी कितनी डेंस है हवा है तो इन तीन चीजों पे पावर जनरेट करता है हाफ रो ए वी क्यू याद रहेगा आपको फॉर्मूला दानिश शकील कौन सा सर हाफ हाँ जी सर कौन सा वाला ये नीचे हाफ एमवी था ना भाई क्या यार जी सर नहीं सर आप ऊपर वाला मुझे बोल रहे हैं ये देखो ये फॉर्मूला ये रट लो भाई साहब ये फॉर्मूला पावर का है पावर देखो आप इसमें हाफ रो ए वी क्यू तो पावर जो होता है विंड टर्बाइन का पावर डेंसिटी ऑफ एयर एरिया ऑफ द एयर एंड वेलोसिटी ऑफ द एयर पे डिपेंड करता है तो एरिया तो पाई आर स्क्वायर जाएगा क्योंकि सर्कुलर है आपका और काइनेटिक एनर्जी जो होती है हवा की होगी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर मास कितना है वो डिपेंड करेगा डीएम बाई डी टी मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम मास फ्लक्स चेंज होता है इसलिए डीएम बाई डी टी किया है उन्होंने समझ गए आप ये क्यों किया मैंने बताओ विद रिस्पेक्ट टू टाइम कभी ज्यादा हवा आती है कभी कम हवा आती है कि नहीं होती जी सर तो वो मास फ्लो रेट चेंज होता है और डीएम बाई डी टी को उन्होंने लिख दिया डेंसिटी एरिया इनटू वेलोसिटी रो ए बी डीएम बाई डी टी को ऐसे लिख सकते हैं डिफरेंशिएट कर देते हैं अपन सो दिस इज रो ए बी ले लिया यहाँ पर बस के और ए बी इसका है वेलोसिटी है हाफ का हाफ लिख लिया अपन ने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो रहता है उससे अपन ने उसको निकाल लिया तो अपने जो फैक्टर्स है पावर जनरेशन के वो हो गए डेंसिटी एरिया एंड वेलोसिटी के राइट इतना क्लियर है सबको ये देखिए आप ये इसका बेड्स लिमिट होती है पावर कोफिशिएंट होता है सीपी हाफ रो ए वी क्यूब इनटू सीपी हर मशीन का कोई भी विंड टर्बाइन हो उसका एक पावर फैक्टर होता है पावर जब वो कितना विंड को एफिशिएंसी में कन्वर्ट कर रहा है पावर में कन्वर्ट करता है तो पीटी बाय विंड पावर टोटल पावर बाय दिस पावर ओके ये यहाँ से वेलोसिटी हो रही है ये विंड टर्बाइन है इसमें से निकल रही है और ऐसे बाहर निकल के वी टू की वेलोसिटी से बाहर जा रही है तो अभी तक जो है 60% एफिशिएंसी वाला इंजन विंड टर्बाइन अपन बना चुके हैं अभी तक आप इतना ही बना चुके हैं इससे ज्यादा नहीं बन पाया ये विंड फैक्टर होता है कैपेसिटी फैक्टर का फॉर्मूला था पावर का वो द विंड टर्बाइन द फ्रैक्शन ऑफ द एयर ऑफ अ टर्बाइन जनरेटर इज ऑपरेटिंग एट द रेटेड पीक पावर कैपेसिटी फैक्टर एवरेज आउटपुट पीक आउटपुट कैपेसिटी फैक्टर इज बेस्ड ऑन बोथ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टर्बाइन एंड द साइड कैरेक्टरिस्टिक्स टिपिकली 0.3 और अबव फॉर अ गुड साइड ओके होप दिस वन इज क्लियर यहां तक क्लियर है आप लोगों को ये तक समझ में आ रहा है ना आपको कैपेसिटी पावर फैक्टर क्या होता है आउटपुट अपन पीक आउटपुट निकालेंगे तो 30% आता है पूरे साल का और विंड की वेलोसिटी निकालते हैं पावर फैक्टर ऐसे निकालना पड़ेगा कैपेसिटी फैक्टर द फ्रैक्शन ऑफ एयर ऑफ ए टर्बाइन जनरेटर इज ऑपरेटिंग एट अ रेटेड पीक पावर
ठीक, पूरे साल का एयर अराउंड अपन पावर फैक्टर निकालना पड़ता। अब ये देखो ये ब्लेड रहता है, लिफ्ट एंड ड्रैग जनरेट करता है, उसको ऐसे टिल्ट कर देते हैं अपन तो लिफ्ट एंड ड्रैग जनरेशन आया था। जैसे विंड फ्लो है, जैसे लिफ्ट है, ये ड्रैग है, ये विंड टेक्नोलॉजी है, इतने सारे विंड आप लोगों ने देखे होंगे, ये ऐसे लगे हैं। कुछ कुछ बिल्डिंगों पर ऐसा लगा देते हैं इस टाइप से। देखो अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन होता है, इनके टाइप्स देखिए आप, हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सा वाला है इसमें बताइए, और वर्टिकल एक्सिस कौन सा वाला है। Anyone? What are horizontal axis wind turbines? Anyone can tell me? मैं बता देता हूं आपको। ये जो है ना, ये कौन से हैं? सर horizontal। ये कौन से हैं wind turbine? बताइए। वाले। ये सब, ये तीनों जो मैंने बताया ना, ये horizontal axis wind turbine है। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन बताना ना, तो एक ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन है, और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। अब वर्टिकल एक्सिस में बता देता हूँ, दिस वन इज वर्टिकल एक्सिस, दिस वन इज वर्टिकल एक्सिस, एंड दिस वन इज वर्टिकल एक्सिस, दिस इज वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन है आप। ओके okay. इसका नाम होता है डेरियस एडिटर और सेवोनियस। ये सब आप लोगों ने देखे देखे कि नहीं देखे आपने? नो सर। ये वर्टिकल एक्सिस देख लीजिए, इनका फोटो खींच लीजिए, तो आपके दिमाग में बैठा लीजिएगा, डायग्राम बना के आ जाइएगा, ऐसे ही दो लाइनें तो खींचनी है इसमें और क्या करना है। इसका डायग्राम बनाना होता है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, एग्जाम में आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, पावर फैक्टर का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, और इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है, इसलिए आप लोग डायग्राम बना लीजिए और पढ़ाई कर लीजिए, फोटो खींच लीजिए। ओके जी सर। ये वर्टिकल एक्सिस, दो टाइप के विंड टर्बाइन होते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये मैंने बताया आप लोगों ने, कॉमन है बहुत, ये तीन ब्लेड वाले बहुत कॉमन है, ये तीन ब्लेड वाले जो है, और एक होता है वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन। ओके यहां तक क्लियर है आप लोगों को? अब मैं आपका सोलर कलेक्टर के बारे में बताता हूँ। सोलर एनर्जी अपन क्यों प्रेफर करते हैं? सोलर एनर्जी कैन बी कैप्चर्ड एंड कन्वर्टेड इनटू टू मेजर यूजफुल फॉर्म, हीट, इलेक्ट्रिसिटी। सोलर एनर्जी कलेक्टेड यूजिंग सोलर कलेक्टर एंड ट्रांसफर एनर्जी टू अ फ्लूइड पासिंग इन कॉन्टेक्ट विद इट। अपन क्या करते हैं, सोलर एनर्जी जो आती है उसके अंदर फोटॉन्स ऑफ बंडल्स ऑफ एनर्जी रहती है, एंड उसके अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करते हैं। स्कैटर यूजिंग सोलर कलेक्टर एंड ट्रांसफर एनर्जी टू अ फ्लूइड पासिंग इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे? नेक्स्ट क्लास में अपन सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास वी विल रीड दिस। ओके सर, सर अटेंडेंस ले।